सो गुड टू सी यू. अभी ये 2D में हमने देखा है तो ऐसा रिस्पॉन्स है, ऑफकोर्स 3D में हम देखने वाले हैं इसे या जब ये आएगी. What do you have to say? एक director के तौर पे, actor के तौर पे नहीं, as an audience, sir, audience member. Hello everybody. मैं चाह रहा था कि सब ये 3D में देखें, लेकिन थोड़ा मेरा 3D delay हो गया for the promo. So दो दिन बाद ready होगा. काश मैं फिर से बुला के सबको दिखा सकता. I'm sure सर आप बुलाओगे तो पहले से पहले आ जाएंगे यहाँ पे सब लोग. अभी इसमें ही धड़कने बाहर आ गई, दिल बाहर आ रहा था उसमें तो ओपन हार्ट सर्जरी हो जाएगी. पता नहीं 3D में आ जाती तो. दिस इज फैबुलस. यू हैव टू टॉक टू अस अबाउट दिस लुक ऑफ योर्स सर विद दिस गमछा एंड ये थोड़ा सा प्लीज बताएं. आई थॉट जो बोला कि लुक है वो थोड़ी आज कैरी फॉरवर्ड कर लूं. तो पूरी फिल्म में एक ऐसा ही लुक है, गमछा कुर्ता एंड माथे पे भस्म है, वो अब नहीं लगाई थी आज. बट अदरवाइज या दिस इज द भोला लुक. लुक की बात हो गई सर. यू नो जो भी काम आप करते हैं सरलता के साथ, दैट सिंसियरिटी इज ऑलवेज देयर. यहाँ पे भी मैं कह रहा हूँ जिस दिन से फिल्म अनाउंस हुई है या जिस दिन से इसके ऊपर काम होना शुरू हुआ है, दैट सिंसियरिटी दिख रही है. और जिस हिसाब से पूरा देश और आपके फैंस इसका वेट कर रहे हैं, दैट्स अमेजिंग सर. व्हाट वाज दैट वन थिंग जो आपको लगा कि इसके ऊपर मुझे बहुत ज्यादा हाप करना है व्हाइल डायरेक्टिंग दिस मूवी, एक्टिंग इन दिस मूवी? नहीं, आई थिंक सिंसियरिटी सभी में होती है. एवरी फिल्म मेकर, नॉट इवन जस्ट इन द फिल्म इंडस्ट्री, आई मीन हर आदमी जो काम करता है उसमें अपनी पूरी सिंसियरिटी डालने की कोशिश करता है. और कुछ चीज़ें सही पड़ती हैं, कुछ चीज़ें गलत पड़ती हैं. तो यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द होल प्रोजेक्ट, एवरी पार्ट ऑफ द फिल्म. ऐसी कोई एक चीज़ नहीं है जिसपे आपको हाप करना है. सो इट्स बेसिकली आई थिंक फिल्म मेकिंग इज अबाउट स्टोरी टेलिंग. अगर सो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टोरी टेलिंग एंड एवरीथिंग एल्स फॉल्स इनटू प्लेस. आई थिंक इनकी जो क्लैरिटी है, दैट इज वॉट मेक्स हिम एन अमेजिंग डायरेक्टर, अमेजिंग प्रोड्यूसर, अमेजिंग एक्टर. लेडीज एंड जेंटलमैन, अजय देवगन, द लीडिंग लेडी हियर. लेडीज एंड जेंटलमैन, शी इज गॉर्जियस. शी इज, मैं आई फॉल शॉर्ट ऑफ एडजेक्टिव्स. ऑल आई कैन से इज गिव इट अप फॉर द वेरी गॉर्जियस तबू. लेडीज एंड जेंटलमैन, योर ट्रेडमार्क स्माइल, यू नो, ये इतनी लोगों की नर्वसनेस दूर कर देती है, इतना माहौल को एकदम शांत कर देती है. व्हाट डू आई हैव टू से, यू नो, नौ फिल्में, नवी फिल्म साथ में विद अजय सर. जी, इससे पहले डायरेक्ट नहीं किया आपको इन्होंने कभी? नहीं, कभी नहीं किया, है ना? एंड ही वाज अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग. आई वांटेड टू नो दैट ओनली, प्लीज गिव अस सम मसाला हियर. ही वाज नॉट द अजय देवगन दैट आई हैव नोन फॉर सो मेनी इयर्स. ये कोई और ही होते हैं. जब भी डायरेक्टर होते हैं, ये किसी से बात नहीं करते, ये हंसते नहीं है, ना ये मुस्कुराते हैं. वैसे भी कम बात करते और कम हंसते हैं, बट जब वो डायरेक्टर होते तो आप इनके पास जाइए ही मत, बिल्कुल. ये कभी कभी भूल भी जाते थे कि शॉट में मुझे बताएं कि क्या करना है, वो भी भूल जाते हैं. ही इज लाइक, क्या करना है? हाँ, अब बैठ जाओ, जंप मारो ट्रक पे से, फिर ऐसे किक मारो, फिर जंप करो, फिर ये करो, फिर ऐसे पंच करो, फिर गिर जाओ. बस सिंपल, दैट्स हिज इंस्ट्रक्शन फॉर माय एक्शन. अब मैं बोलती हूँ मैं अजय देवगन नहीं हूँ सर, but he's an amazing director and he's very clear about what he wants and he ye kyunki khud actor hai to ye actor ke perspective se almost har cheez ko dekhte hain aur actor ko bahut sambhal ke rakhte hain apni filmon mein. Wow, amazing. Ladies and gentlemen, Tabu ji ke liye zordar taaliyan. And now on that note, would like to invite on stage this stalwart cast. मतलब ये बहुत अमेजिंग लोग हैं जिन्होंने कब से अब तक हमें एंटरटेन किया है और जिस अंदाज में किया है, मुझे नहीं लगता इतने ऑर्गेनिक ढंग से लोगों का प्यार किसी को मिला होगा इंडस्ट्री में. सबसे पहले लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर विनीत कुमार साहब. जोरदार ताली. वाज द वेरी इंपॉर्टेंट पीपल इस फिल्म के पीछे जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को बैक किया. लेडीज एंड जेंटलमैन, आई कॉल हिम अ विजनरी. ऑफ कोर्स ही इज एवरीवेयर एंड जिस खूबी के साथ ये अपने ऑडियंस की नब्स पकड़ते हैं, मुझे नहीं लगता प्रोड्यूसर्स में ऐसा कोई कर पाता होगा. लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर भूषण कुमार. सर, वेलकम. विनीत सर, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, अजय सर के साथ पहले भी आपने काम किया है? जी. और अब जब यहाँ पे ये एज अ डायरेक्टर आपके सामने थे, हाउ वाज द एक्सपीरियंस सर, प्लीज शेयर कीजिए. एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि अजय जी को जो चाहिए वो वही लेते हैं. ये क्लैरिटी बहुत कम लोगों में है. सिंसेरिटी शायद सब में होगी, लेकिन दिशा क्या है ये इनकी बड़ी स्पष्ट होती है कि यही चाहिए. सिंसेरिटी हो सकती है, दिशा नहीं होती है. इनकी दिशा भी बड़ी क्लियर है कि मुझे ये चाहिए, और इन्होंने मेहनत करवाया है हमसे और मैंने मेहनत किया है. मैं आभारी हूँ कि
अजय जी ने मुझे चुना और मैं भोला फिल्म में हूँ. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू सो मच. संजय सर, दिस वन्स फॉर यू. ये जोड़ी जो है आपकी भी बड़ी कमाल की है. एक बार नहीं, कई बार सर के साथ काम किया है. यहाँ पे जब वो डायरेक्ट कर रहे थे, था जब मैं काजोल मैडम से ज्यादा इनके साथ रहता था. मतलब हर फिल्म में मैं इनके साथ ही होता था. राइट. सो यहाँ पे जब वो डायरेक्ट कर रहे थे आपको और पूरे सेट का माहौल, बिकॉज दिस इज, ये ना एक तरीके से सेक्रेट लग रहा है. वो बहुत सारा पावर पैक्ड एक्शन, एट द सेम टाइम दिस इज वेरी सेक्रेट. ये ऐसा लग रहा है हाँ, झोंक दिया इसमें अपनी आत्मा किसी ने. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एज एन डायरेक्टर अजय सर को बिल्कुल वही कहूँगा जो तब्बू मैडम ने कहा है. इन्होंने एक एक कैरेक्टर के लुक पे बहुत, मतलब मैं भी 2-3 बार जा करके कैसा होना है क्या होना है. और बुढ़ाऊ देख कॉमेडी नहीं है, ठीक है, बुढ़ाऊ कॉमेडी नहीं है, 15 बार इन्होंने मुझे कहा. और सेट पे बिल्कुल ही अलग होते हैं ये, बिल्कुल. मुझे तो पहले दिन लग रहा था अजय देवगन होंगे, डायरेक्टर होंगे, आराम से आएंगे, फिर कुछ बातें होंगी. हाँ, लेकिन मैं जितनी भी जल्दी पहुँचाऊँ सेट पर, अजय भाई वहाँ पर होते थे. जितनी भी जल्दी पहुँचाऊँ. ग्रेट. थैंक यू सो मच सर. संजय सर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. कम ऑन, ऑफकोर्स वन ऑफ द फाइनेस्ट. एंड नाउ दीपक भाई, देखिए आपने पहले काम किया है सर के साथ. जी, ओमकारा की हम बात कर रहे थे सर से, अभी बात कर रहे थे कुमार साहब से. रायता तब आपने फैलाया था वहां पे. यहाँ पे कितना रायता फैलाने वाले हो आप भोला में और क्या करने वाले हो, प्लीज टेल अस. मतलब यहाँ तो रायते में फिसल रहे हैं. फैलाया नहीं, फिसल रहे हैं सब लोग. तो मतलब 15 साल पहले अजय भाई के साथ ही मेरी लॉन्चिंग हुई थी, तो ये शायद दूसरी री लॉन्चिंग है. है ना, उसका नाम भी ओमकारा था, इसका नाम भी भोला है, तो कुछ भोले का कनेक्शन है. दोनों शिव के नाम है ना, तो सेम वही. मतलब मैं भोले की क्या बोलूं, शरण में हूं, भोले की शरण. लवली. थैंक यू सो मच दीपक सर. भूषण सर, दिस वन्स फॉर यू. प्लीज टेल मी, अभी हम बात कर रहे हैं और हम ही नहीं, हर कोई पूरी इंडस्ट्री में बात कर रहा है द क्रेडिबिलिटी जो आती है टी सीरीज के साथ. बट व्हेन वी हैव दिस जेंटलमैन हियर हुज नॉट जस्ट स्टारिंग इन अ मूवी, उसमें एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो उसको डायरेक्ट भी कर रहे हैं, तो वो भरोसा और ज्यादा बढ़ जाता है. हाउ डू यू सी दिस? सी, अजय सर के साथ मैंने काफ़ी फिल्में साथ में की हैं एंड इनसे ज़्यादा डेडिकेटेड एक्टर और डायरेक्टर मैंने देखा नहीं है, जिस तरीके से ये इतनी फिल्मों मेहनत करते हैं और वो हम सब देख ही रहे हैं स्क्रीन पे. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड थैंकफुल टू हिम के काफ़ी फिल्मों में मुझे अपने साथ एसोसिएट होने का मौका देते हैं. तो थैंक यू अजय सर, आपने हमेशा इतना सपोर्ट रखा है. हाय अजय सर, हिमेश दिस साइड. Firstly, congratulations. It looks big and action-packed. So, congratulations on that. Thank you so much. Ajay sir, my question to you is, you have been a part of so many franchises and you know the character of Bhola looks very franchisable. Do you plan to spin it into a franchisee and what excites you when it comes to franchises? Yeah, it is. We planned it as a franchise and when you see the film, there's a surprise element at the end of the film which you'll realize will move into a part two or a franchise. Bhushan sir, 2020 was Tanaji, 22 was Drishyam and now 23 is Bhola. How do you view this association? They are like 2020 and 22 were the biggest hits of the year. So now how do you view this association and expectations from Bhola at the box office? वापस रिपीट होएगी वही चीज जो पहले हुई बॉक्स ऑफिस में दृश्यम से और तानाजी से. एंड दिस इज लुकिंग, आपने देखा ही ये उन फिल्मों से भी ज़्यादा बड़ी लग रही है, तो आई एम श्योर इट विल वर्क बिग टाइम. अजय सर हेलो, फाइनल ईयर सर. आई कैन सी यू. हेलो. या हाय. आई थिंक द मूवी लुक्स क्वाइट गुड एंड आई एम एक्चुअली क्वाइट एक्साइटेड टू सी द फिल्म. आई इवन वोर द टी-शर्ट ओवर. थैंक यू सो मच, सो स्वीट. या या. सो यू नो आई थिंक दिस इज योर फर्स्ट फिल्म इन IMAX इफ आई एम नॉट रॉन्ग. RRR वाज एक्चुअली, बट आई थिंक इट्स द फर्स्ट. सो कुड यू जस्ट यू नो आई वुड से सेकंड फिल्म इन 3D एंड फर्स्ट इन IMAX. सो कुड यू जस्ट लेट अस नो हाउ दैट हैपेंड एंड व्हाट वाज द whole thing behind going for an IMAX release? In fact, we had planned 3D. We had not really thought of IMAX. And a couple of months back, we by chance met, there were some people visiting from IMAX Hollywood. And they came up and they said, why don't you do this? And it was an idea and then we started sharing it. And then things fell into place and we thought we should definitely go into it. And the film is an IMAX experience. It's a large scale film, so that's how we went ahead and did it. Hi sir, this is Nawaz Kochra from Miss Malini. Love the trailer, it's quite spectacular, so love the
visuals. My question is for Sanjay sir, Deepak and Vineet sir. So sir, in our industry we've seen that the treatment, the villain concept of Bollywood is not the same that it used to be years ago. I want to know, how has the treatment changed with, you know, in these times, in this day and age, and with this film? सवाल आपसे था, मिश्रा जी ने बोला, अंग्रेजी में बोला, इसलिए आप जवाब दीजिए. निश्चित रूप से ये इस फिल्म में किसी टिपिकल क्लीशेज का इस्तेमाल संभवतः नहीं हुआ है. हर कोई एक चरित्र है. वो चरित्र अगर गलत काम कर रहा है तो आप उसे विलन नहीं कह सकते हो. उसका चरित्र है वो कि वो इस तरह का है. वैसे ही मिश्रा जी हैं, वैसे ही चंदन जी हैं, सब लोग वैसे ही, दीपक जी हैं, सब लोग वैसे ही हैं. तो ये मूलतः मुझे ऐसा, जितने दिन मैंने शूटिंग की, मुझे ऐसा लगा कि हर कोई अपने चरित्र को पकड़ के रखे हुए हैं कि मुझे यही करना है, इससे अलग भटकना नहीं है. और वो सारे क्लीशेज कि विलेन ऐसा होता है या कॉमेडी ऐसी होती है, इससे हम सब लोग बचे हैं. अजय सर, मेरा सवाल आपसे है. मैं इकबाल, एनआई से. सर सवाल यह है कि काफ़ी सारे ट्रेड पंडित हों, ट्रेड एनालिस्ट हों, या फिर कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनका यह मानना है कि 2022 में जिस तरह से अजय देवगन का साल गुजरा है, 2023 उससे भी बड़ा होगा भोला और मैदान के साथ. और 2023 हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जिस तरह से गुजरा है दृश्यम 2 के साथ, उसी तरह से पठान से शुरुआत होगी उसकी. आप क्या मानते हैं इन तीनों फिल्मों को लेकर, आपके लिए या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जिस तरह से? सिर्फ मेरे लिए नहीं, जब दृश्यम भी रिलीज हुई और जब सुपर हिट हो गई, तो मैं लोगों से यही कहता था कि ऐसी और 3-4 फिल्में हम हमारी इंडस्ट्री में चाहिए, सुपर हिट होना लगातार, ताकि एक जो पैंडमिक के बाद एक जो ठंडा हो गया था मामला, ऑडियंस को एक फिर से एक मज़ा आना शुरू हो और थिएटर में आने की आदत पड़े. तो लेट्स कीप फिंगर्स क्रॉस. मैं तो चाहता हूँ कि जो फिल्म रिलीज हो सुपर डुपर हिट हो, ताकि ये पूरी इंडस्ट्री एक ही है. एंड अब जैसे पठान रिलीज़ हो रही है, एंड हम जो भी सुन रहे हैं एडवांस पठान का, इतना फैंटास्टिक आज तक कभी हुआ नहीं. सो मैं दिल से बहुत खुश हूँ और मैं सभी को यही कहता हूँ कि आई थिंक वी शुड बी वेरी वेरी हैप्पी फॉर दिस. अजय जी, ऑन योर लेफ्ट. हाय अजय जी, आप हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही भोले एक्टर माने जाते हैं. लोग ऐसा कहते हैं कि आप कभी कोई अपनी स्पॉटिंग नहीं कराते, आप कभी कोई कंट्रोवर्सी में नहीं फंसते, तो इतने भोले क्यों हैं आप, इतना ऐसा माना जाता है? शांति से फिल्में करते हैं, फिर घर चले जाते, फिर दूसरी फिल्मों का अनाउंसमेंट करते हैं, वो हिट हो जाती है. आई थिंक काम तो शांति से ही करना चाहिए, क्योंकि स्पॉटिंग करके और कंट्रोवर्सी क्रिएट करके आई थिंक कोई नहीं, कोई लंबा नहीं चलता. आई थिंक थोड़ी देर शायद थोड़ा चल जाए, बट चलता आदमी सिर्फ काम से है. और अगर आपका काम ठीक हो तो फिर आपको खुद बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है. लोग कहते हैं अच्छा है या बुरा है, एंड दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन. तो आप अपने काम में ध्यान दीजिए. और हमारी अपनी लाइफ में इतना सारा काम है, इतनी सारी तकलीफें हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, दूसरों की लाइफ में घुस के उनके बारे में सोचना, उनके बारे में बातें करना, आई थिंक बेकार है, बहुत बेकार चीज़. I can't tell you it that. It depends now what Bhola means. It is a fantastic experience for anybody involved in the film where he is directing, because like sir was saying, he knows the direction. He knows exactly what he wants, and there is no nonsense around it. There is no frill. There is no extra anything that you are supposed to do or that he shoots. So I think, and the best thing about working with him as a director is that he is so technically sound. He has so much understanding, knowledge, experience, and you know, a skill for being technically competent and being clear, that he knows exactly what's to be done, and he knows what is unnecessary. That's a very, very big aspect and quality of being a filmmaker or any professional, where you do away with the unnecessary stuff, so that everybody's energy is only concentrated on stuff that is actually required. So he will not overshoot, he will not make you overdo things.
So, you know, and come. Over pamper me. He didn't even smile at me in the whole film. She's always pampered. She's always pampered. Hello, Ajay sir. This is Ravi from ABP News. Ajay sir, शायद ये सातवीं या आठवीं फिल्म है बतौर डायरेक्टर आपकी, if I'm not wrong. चौथी सॉरी. मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बतौर डायरेक्टर आपको कौन से डायरेक्टर इंस्पायर करते रहे हैं, किन किन डायरेक्टर से आप इंस्पिरेशन लेते रहे हैं, कौन आपके आइडल रहे हैं? आई थिंक आइडल कोई एक नहीं होगा. आई थिंक आप, मैंने इतना ज़्यादा काम किया और हर किस्म के डायरेक्टर्स के साथ काम किया, तो जो बहुत ज़्यादा कमर्शियल हैं उनके साथ भी काम किया है, और जो नॉन कमर्शियल भी रहे. जब मैंने अपना करियर शुरू किया तब आई थिंक कोई मेन स्ट्रीम एक्टर, तब उसे आर्ट सिनेमा कहा जाता था, कोई उन किस्म की फिल्में नहीं करता. एक तो हमने भी साथ में की थी तक्षक, तो गोविंद जी हो गए, भट्ट साहब हो गए, रामू हो गया, ऐसे प्रकाश जी हो गए, ऋतुपर्ण घोष थे, मणि रत्नम. तो कमर्शियल भी बहुत सीखा और उसके साथ एक आर्ट सिनेमा में भी सीखा कि यू नो ऑनेस्टी और रियलिटी भी कैसे रखनी है. तो आज जब उन चीज़ों का मर्ज हुआ है कि आज लोगों को रियलिटी भी चाहिए और उसको बड़े स्केल पे उस ड्रामे में भी दिखाना है और वो भी चाहिए, तो उन दोनों का जो मिक्स हुआ वो कहीं ना कहीं से आप रोज़ हर नए नए डायरेक्टर के साथ, कुछ ऐसे भी डायरेक्टर थे जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा क्या नहीं करना. यू नो तो आप सीखते ही हैं. तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, हर आदमी का अपना अपना एक प्लस पॉइंट होता है. आई मीन रोहित से ज़्यादा हार्डवर्क मैंने किसी का नहीं देखा करते हुए. तो ऐसे इतने सारे नाम हैं कि मैं एक दो नाम ले नहीं सकता. अच्छा, एक और सवाल था सर. आज 24 जनवरी और शाम को RRR का फाइनल नॉमिनेशन, ऑस्कर का फाइनल नॉमिनेशन पता चलेगा कि RRR किन किन कैटेगरीज में कम्पीट कर रही है या नहीं. आपने उस फिल्म में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी, आप क्या पॉसिबिलिटीज देखते हैं इस फिल्म की, और जो ग्लोबल सक्सेस RRR को मिला है, जिस तरह से वेस्टर्न ऑडियंस प्रभावित हुई है फिल्म से, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जब जब हमारी फिल्में, इंडस्ट्री की फिल्में चलती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है और बहुत फ़ायदा इंडस्ट्री को होता है. सेम तरीके से आई थिंक राजमौली हैज़ टेकन द फिल्म इंटरनेशनली, और आज अगर हम पेपर में स्टेटमेंट्स देख रहे हैं जेम्स कैमरॉन और ये सब जो इस फिल्मों के बाद, तो हमारी इंडस्ट्री एक रिकग्नाइज की जा रही है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है. एंड इट्स वी फील प्राउड. सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग एंड आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस के जितने नॉमिनेशन मिले और जितने अवार्ड वो जीते, आई थिंक बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए. जी सवाल मिक्स नहीं होते कैरेक्टर्स कभी, जवाब करती हैं ये इस तरीके से. लकीली एक्चुअली हर कैरेक्टर मुझे जो मिला है, पुलिस ऑफिसर का ही क्यों ना हो, सब अलग अलग लोग हैं. तो सिर्फ उसका आइडेंटिफिकेशन सिर्फ ये नहीं है कि वो पुलिस ऑफिसर है, वो इंसान क्या है, उसकी ज़िंदगी क्या है, उसके थॉट्स क्या हैं, यू नो उसकी आइडियोलॉजी क्या है. तो ये सब चीज़ें कैरेक्टर को डिफाइन करती हैं. और मेरी सारी फिल्मों में कैरेक्टर चरित्र, जैसे उन्होंने कहा, चरित्र अलग रहा है कैरेक्टर्स का, इसलिए वो सब अलग लगते हैं लकीली. और इसमें तो कुछ अलग ही है, यू नो. सो आई एम रियली हैप्पी के इन स्पाइट ऑफ प्लेइंग अ पुलिस ऑफिसर, आई बीन एबल टू प्ले डिफरेंट पीपल. अच्छा, एक सवाल आपसे भी है. अभिषेक को भी हमने बनारस में आपके साथ देखा था, तो क्या वो एक सरप्राइज एलिमेंट है, वो इस फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाएंगे? पता नहीं, यहाँ वो छुट्टी मनाने आए थे, वो भी नहीं पता मुझे. Hi sir. Hello. Sir, this is Anjane from Film Window. Sir, you have been associated from so many films and your films has been so good. Like you have been a part of one film, Shivai, of yours. And now Bhola, it also seems very huge. So in what ways the both are different? Because your look is also quite similar in Shivai also. In not Bhola. At all. The look is not same at all. I mean, it's completely different and they're two different stories altogether. Completely two different scripts, two different dramas, two different characters for me and in the whole film for everybody else. And actually two different genres. I mean, apart from the action part of it, it's kind of a different genre, I would say. But the movies like Shivai, Omkara and now Bhola,
it's quite evident your love and devotion for Lord Shiva. No, that is always there, but sometimes it gets unintentional. You know, it just happens. Some things just happen. So it's not that now Omkara was not my decision to be Omkara. You know, that was Vishal's decision. So some things just fall into place and just happen, come your way. So I would just say that it's a coincidence. Yeah, I mean, I'm a very big bhakt hu, lekin kai cheeze apne aap hi jagah pe baith jati. And so we have two seen, more questions, sir. We have seen one a very your you have breaked your rule of no kissing scene in the Shivaya. So is it possible that we can see somewhere in this? Paap lagega Anjane. Paap lagega. He is more excited about that. We'll just take two more questions. Yeah. Hello, Ajay sir. Shiv ke prem se to hum sabhi waqif hai aapke. Par agar is particular film ki baat karu, direction bhi, acting bhi, to koi aisa moment raha during the shooting, jo ekdam se bahut aapke liye bhi kehte na magical raha ho, aur aise Shiv ne paar kara diya ho, aisa koi particular moment? I think jo ek section hai humne Banaras mein shoot kiya tha, usme aap dekhenge do teen shot hai Mahaarti ke, uske samne you know boats laga ke hum शूट कर रहे थे. इट वॉज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू शूट. एंड तो हमने बहुत सारे मल्टीपल कैमराज लगा कि ये 5 मिनट में ख़त्म करना और आरती 15 मिनट की होती है. एंड सब आई मीन आई वॉन्टेड एवरीथिंग लाइव एंड रियल. तो वो जो चीज़ हमको लग रहा था कि सुबह से लग रहा था, सुबह से हम प्रेप कर रहे थे, ऐसे लग रहा था होगा नहीं होगा कैसे होगा, एंड ऐसे हो गया, मतलब कि 5 मिनट में ख़त्म हो गया. सो दैट वॉज लवली. हाई शादमा दिस साइड फ्रॉम होम बॉलीवुड. तबू जी मेरा सवाल आपके लिए है, हम जितनी भी बार आपको और अजय सर को ऑन स्क्रीन देखते हैं, वी वांट मोर एंड मोर. सो व्हाट इज़ इट दैट मेक इट सो रिफ्रेशिंग? इज़ इट द बॉन्ड एंड फ्रेंडशिप विच यू बोथ शेयर विद ईच अदर? आई थिंक मोर देन दैट ना, दैट इट इज़ द फिल्म्स. अगर ऐसी 4 फिल्में हमने की होती साथ में, तो वी आर वेरी लकी कि वो फिल्में जो हमने की हैं वो सारी चली हैं. और अगर यही 4 नहीं चली होती तो आप ये सवाल पूछ भी नहीं रही होती. Hi, right. Ajay sir. Hari. On your right, Samir here from Movie Talkies. Bola is a very, you know, action-oriented. It's a very action-oriented and violent film. Yet you decided to name it Bola, which is, you know, quite a definition of a soft person. So I'd like to, you know the thought process. Because that's the character. The character is very, very simple, and he gets stuck into a situation, and his actual intention is a very emotional intention. So he it's wrong person in the wrong place at the wrong time. That's the situation where he doesn't want to be, so he's forced to do all this. So it's that kind of a scenario. So that's why it's Bola. Ajay ji, Ajay ji, yeah, Harshada here from Screengraph. Last year you closed the year with Drushyam 2's success, and this year opening with then Bola. So as an actor, how do you feel about this graph of yours? But I've always tried to do different genres, rotating one after the other, so that I don't feel repetitive myself. So I've done Drishyam, then now I'm doing Bola, and after Bola is Maidan. They're all 3 different genres altogether. That keeps me going. All right, so ladies and gentlemen, that's all we have for you. Thank you so much. And ये तो अभी teaser है, अभी trailer बाकी है मेरे दोस्तों. तब क्या होगा जब यहाँ पे इतना तगड़ा रिस्पॉन्स आए. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं भोला के लिए. ऑफ कोर्स भोला इन 3D एंड IMAX. वी विल गेट टू विटनेस समथिंग स्पेक्टैक्युलर.